नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नागनी माता में जिला स्तरीय मेले का प्रशासनिक रूप से शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ अवसर पर नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने झंडा रस्म अदा की। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य द्वार से नागनी माता के मंदिर तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 2 महीने तक चलने वाली इस मेलों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु न सिर्फ प्रदेश से बल्कि बाहरी राज्यों से भी भारी संख्या में होते हैं। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है और मंदिर की आस्था का कारण जहां पर आए सर्पदर्श बिच्छू इत्यादि का शिकार हुए लोगों का ठीक होना है। यहां माना जाता है कि सांप के काटने के बाद अगर समय रहते उक्त व्यक्ति को मंदिर में पहुंचाया जाए तो वो कभी भी मौत के ग्रास नहीं बनता है बल्कि जहां से ठीक होकर ही जाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे शक्कर कहा जाता है। इसी शक्कर का लेप जहरीली जीव द्वारा काटे गए शरीर के उक्त भाग पर लगाया जाता है और 5 से 7 दिन के अंदर पूरा व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर के प्रति उनकी आस्था है। विधायक राकेश पठानिया ने इसको लेकर कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए पर्यटकों का होना आवश्यक है, लेकिन जहां नागनी माता के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है और लाखों की संख्या में लोग 2 महीने मां के दर्शन करने आते हैं, इसी के मद्देनजर सरकार इसे और विकसित करने को लेकर खाका तैयार करने में लगी है ताकि इस स्थल को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। देखिए, ये एक नेचुरल टूरिज्म है और रिलीजियस टूरिज्म, यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं। अब हिमाचल में कई जगह पर्यटन को डेवलप करने के लिए रोते के लोग आए, यहाँ माता रानी की कृपा है, माता रानी की कृपा से लाखों लोग यहाँ पे आते हैं मत्था टेकने के लिए। एक सालों से हमारा आस्था बना हुआ है, ये आस्था का केंद्र है और हम इस आस्था के केंद्र को डेवलप करना चाहते हैं। अब आस्था के केंद्र में जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी एक नई नागनी के अंदर 2-4 स्पॉट्स हम देख रहे हैं। एक यहाँ पे चेक डैम बना रहे हैं, रिजर्वायर, एक छोटा सा रिजर्वायर बन जाएगा 12 कमाल जगह, साथ में नागनी माता कमेटी की पड़ी है उसको हम डेवलप करना चाह रहे हैं। और हम थोड़ा जैसे जैसे लेक डेवलप होगी तो हम इस IPH के डिपार्टमेंट के ये सारी प्लांट को आगे शिफ्ट करना चाहेंगे ताकि यहाँ पे और जगह हमारे पास नागनी के लिए उपलब्ध हो जाए। ऐसी बहुत सी योजनाएं जो मैं कमेटी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, 3-4 दिन में हम और कमेटी वाले बैठने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी बैठेगी और हम इसका अगले 2-3 साल का पूरा खाका तैयार करेंगे और उसके तहत नागनी का एक नया विस्तारीकरण और आने वाले सालों में 20 साल के बाद ये मेला बना रहे, ये हमारी आशा बनी रहे और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं की जो है वो बढ़ाया जाए ताकि लोग आए यहाँ सुरक्षित महसूस करें, ठंडी हवा, ठंडा पानी और धक्का ना लगे, इसका हम पूरा रहेंगे।